अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ बनाना पैनकेक का रेसिपी शेयर करूँगी। ये बहुत टेस्टी बनता है और बहुत फ्लफी सा सॉफ्ट बनता है, तो इसे चलिए बनाना शुरू करते हैं। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये पैनकेक बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर बनाना ले लिया है, इसे आप मिक्सर के जार में डाल दीजिए। दो एग लिया है, इसे भी ऐड कर दीजिए। हाफ कप शुगर लिया है, इसे भी ऐड करके दीजिए। और वनीला एसेंस एक चम्मच लिया है। वन कप मिल्क लिया है, इसे ऐड करके आप इसे अच्छे से एक गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए। ये देखिए मैंने एक स्मूथ पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे मैंने 3 बनाना यूज किया है और इधर मैंने ड्राई फ्रूट्स को पानी में भिगो दिया है। फिर इसका छिलका उतार के आप इसे बारीक कट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने 2 कप मैदा लिया है, मीडियम कप में 2 कप मैदा और हाफ कप सूजी लिया है, इसे आप इसमें ऐड कर दीजिए। इसमें हाफ चम्मच नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इसे मैंने मिक्स कर लिया है। फिर आप जो बैटर बनाए थे केला और दूध का, इसे आप इसमें धीरे धीरे ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स करके एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिए। ये देखिए मैंने इसे मिक्स कर लिया है। ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने से इसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर ले। और इसमें हाफ चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करके इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर ले। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसा गाढ़ा होना चाहिए। इसके बाद आप इसे ढक के लिड लगा के 15 से 20 मिनट रेस्ट होने के लिए छोड़ दें। 15 से 20 मिनट के बाद ये बन के रेडी हो गया। अब इसे पैनकेक बनाना है। फिर आप एक पैन में अच्छे से ऑयल लेके इसमें इस तरह से ऑयल को फैला दे और पैनकेक बनाना स्टार्ट करें। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट को छोटा छोटा कट कर लिया है। अब आप इस तवे में ये बैटर को इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए। फिर आप ऊपर से काजू और आलमंड को इसमें ऐड करके 1 से 2 मिनट सिम पे इसे पकने के लिए छोड़ दें। 1 से 2 मिनट के बाद आप इसे एक बार चेक करके देख ले, ये लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तब आप इसमें ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे टर्न कर दीजिए। इस तरह से टर्न कर देना है। इस तरह से सारे पैनकेक बना लेना है। बनके रेडी हो गया फ्लफी सा बनाना पैनकेक। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।